हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। जहानाबाद से आरजेडी के विधायक सुदय यादव का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जैसे ही आरजेडी विधायक सुदय यादव जहानाबाद प्रखंड कार्यालय पहुंचते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं और गुस्से में वहां मौजूद कर्मियों को हड़काने लगते हैं, जिसके बाद इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरजेडी विधायक के कर्मी को कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर किसी ने अलबल बोला तो बुखार छोड़ा देंगे। ये बोलकर जब वो कमरे से बाहर निकलने लगते हैं तो उनका एक शख्स पैर छूता है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके बाद बाहर निकलने से पहले एक और कर्मचारी को धमकी देते हुए कहते हैं कि आपको भी बोल दे रहे हैं, फिर भी जब उनका मन नहीं भरा तो बाहर निकलते ही उन्होंने कहा कि मार के लट से देह हाथ तोड़ देंगे। दरअसल आरजेडी विधायक एक आम आदमी की शिकायत पर जहानाबाद प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने काम में टाल मोटल करने से आरोपित कर्मी को जमकर फटकार लगाई। हालांकि इस दौरान कर्मी दस्तावेज में कमी होने की बात कहते हुए सफाई देता रहा, लेकिन विधायक उस पर बरसते रहे। इधर शिकायत लेकर पहुंचा शख्स अपनी बातें कहता रहा। वहीं आरजेडी विधायक सुदय यादव ने इस संबंध में कहा कि वे मकर संक्रांति के बाद कलम और लाठी दोनों का प्रयोग करेंगे। उनका यह भी कहना है कि कार्यालयों के भ्रष्टाचार से वो तंग आ चुके हैं, कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहरहाल आरजेडी विधायक के कारनामे के बाद लोगों के बीच चर्चा है कि क्या फिर से आरजेडी का लाठी राज चलेगा या सीएम नीतीश के कानून का। आप भी देखिए आरजेडी विधायक का वायरल होता है वीडियो। से भी कि कोई कर्मचारी किसी के साथ कोई अलवर बोला है बुखार छोड़ा देंगे, हम फिर भूल जाएंगे कि आप जहानाबाद के रहने वाले हैं। हम कुछ बोले हमारे लोगों के साथ किसी भी तरह दूसरे का नहीं, तो उसको बता दीजिए, समझाइए उसको। तो बताए अभी ठीक हो गया? हाँ सर, कोई आदमी क्योंकि आप लोग भी आए इसी तरह के परिवार से, बात समझिए सब लोगों का। नहीं, हम करवा देंगे, आपको भी बोल दे रहे हैं। हाँ, मार के लाठी से देह तोड़ देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहे हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देख